जैसा कि मालूम हुआ है कि अलका राय जी जो भारतीय जनता पार्टी के एक महिला नेता के रूप में हैं, चर्चित हैं और डॉक्टर भी हैं, जिनका अस्पताल जो है आपके भोजोटी कॉलोनी से इधर है, उनके लाइसेंस पर उसने एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी ने ले लिया और उसको बुलेट प्रूफ बनाकर, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि उसी बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस से जो कोर्ट में मुख्तार की पेशी हो गई हुई। मैं इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हूं कि भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी उन्होंने ऐसा घृणित कृत्य किया है, यह निंदनीय है। जहां पर माननीय योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भयमुक्त अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश शासन को, उत्तर प्रदेश को बनाना चाहते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता अगर उनको मुख्तार अंसारी को सहयोग करेंगे अप्रत्यक्ष रूप से, तो यह जनता में गलत संदेश जाएगा। डॉक्टर अलका राय इससे पहले मुख्तार अंसारी का को राखी बांधने जेल में जाती थी और भाजपा के जो आज नेता कथा कथित नेता भाजपा के कुछ लोग हैं जो इससे पहले मुख्तार के लिए वोट मांगते थे, उनके नाम पर लोग उनके लिए उनके गाड़ी में बैठ के घूमते थे। अब अलग अलग सफाई लोग दे रहे हैं कि हमारा भी, मैं विधायक को कभी देखा ही नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं, यहाँ से सदन तक लोग बोल रहे हैं। लेकिन इससे पहले वो लोग विधायक के गाड़ी में खुद बैठ के घूमते थे। कौन लोग? भाजपा घोसी विधायक अलका राय राखी बांधने जाती थी। घोसी विधायक हमेशा मुख्तार के आदमी रहे हैं बस्तर में, नेता ही मुख्तार से मिला हुआ रहता है। देखिए, जब तक किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप उसको दोषी नहीं बता सकते। लेकिन व्यक्ति तो स्वीकार कर रहा है कि मैंने एम्बुलेंस कागजात उनको किया था। देखिए, जिसके ऊपर कभी कोई इस तरीके की बात नहीं आई हो और किसी को आप जब पूछेंगे तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि कोई जल्दबाजी में या कुछ इस तरीके का प्रश्न या उत्तर हो जाता होगा। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी तो है नहीं कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूँ। जानकारी होगी तो मैं निश्चित रूप से आपको बताऊंगा और इसके बारे में जो भी होना होगा वो तो आप सबके सामने आएगा। थैंक यू। पार्टी की तरफ से कार्रवाई कोई निर्देश अभी मेरे संज्ञान में नहीं, पार्टी की तरफ से कुछ हिस्सा मुझे निर्देश मिला।